नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। राम जेठमलानी देश के शायद सबसे महंगे और विवादित वकील, पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा के सदस्य। 8 सितंबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबी बीमारी के बाद 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पिछले हफ्ते से वो इतने बीमार थे कि अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री मोदी समेत पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन राम जेठमलानी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो उन्हें विवादित भी बनाता था और लोगों में जिज्ञासा भी जगाता था, जो उन्हें देश का सबसे महंगा वकील भी बनाता था और उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं को खरी खोटी सुनाने से रोक भी नहीं पाता था। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको तब के भारत के सिंध और अब के पाकिस्तान में जाना होगा। राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 को सिंध प्रांत के शिकारपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जेठमलानी का जब जन्म हुआ उस समय उनकी माँ मात्र 14 साल की थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं और मेरी माँ एक साथ बढ़े। शुरुआती पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। जेठमलानी के पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन जेठमलानी लॉयर बनना चाहते थे क्योंकि दादा और पिता दोनों वकील थे। बाद में उनकी पत्नी रत्ना, बेटी और बेटे ने भी खानदानी पेशे को चुना। जेठमलानी ने 17 साल की उम्र में वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली थी। हालांकि उस समय वकील बनने की उम्र 21 साल थी, लेकिन जेठमलानी के लिए विशेष सुविधा दी गई। मात्र 18 साल की उम्र में वे वकील बन गए। उन्होंने पहला केस एक मकान मालिक का लड़ा। फीस ली थी मात्र 1 रुपये। जेठमलानी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल में उन्हें प्यार हुआ था। लड़की का नाम था डोली, लेकिन शादी नहीं कर पाए। शादी हुई दुर्गा से 18 साल की उम्र में। दुर्गा से मिलने अपने दादा के साथ गए थे, लेकिन दुर्गा ने नज़र तक नहीं मिलाई। 14 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन रहे थे, जेठमलानी ने दूसरी शादी कर ली। रत्ना नाम था उनका, दूसरी पत्नी का। उस वक्त बहुविवाह प्रथा चल रही थी, लिहाजा जेठमलानी को कोई परेशानी नहीं हुई। 1948 में जेठमलानी भारत चले आए। मुंबई पहुँचे, रिफ्यूजी कैंप में रात बिताई। 6 साल तक प्रैक्टिस की, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर से सारी परीक्षाएं पास की और अपना वकील का चैम्बर बना लिया। पहला चैम्बर 60 रुपये में मिला था। वकालत के साथ सियासत में भी हाथ आजमाना शुरू किया। महाराष्ट्र में तो बाल ठाकरे बड़े किंग मेकर की तरह उभर रहे थे। शिवसेना बन गई थी और राम जेठमलानी लड़ गए 1971 का लोकसभा चुनाव, निर्दलीय बिना किसी पार्टी के। लेकिन शिवसेना और जनसंघ दोनों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट काम नहीं आया और वो चुनाव हार गए, लेकिन एक चुनाव जीते, बार एसोसिएशन का चेयरमैन का। वकालत में बड़ी पोस्ट होती है। और फिर इमरजेंसी लग गई। जेठमलानी ने इंदिरा गांधी की आलोचना की। कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया और वो कनाडा चले गए। करीब 10 महीने तक वहाँ रहे। इमरजेंसी खत्म हुई तो लौटे। 1977 का चुनाव लड़ा बॉम्बे नॉर्थ ईस्ट सीट से, चुनाव जीत गए। 1980 में भी जीत दर्ज की, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में जब आम चुनाव हुए तो जेठमलानी एक्टर और पॉलिटिशियन सुनील दत्त से हार गए। 1988 में जेठमलानी राज्यसभा पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो राजीव गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बोफोर्स मुद्दे पर राजीव गांधी से 400 सवाल पूछे। 1987 में जेठमलानी ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से 400 सवाल पूछे। बोफोर्स तोपों में दलाली का मामला गर्म था। राम जेठमलानी उस वक्त स्वीडन के दौरे पर गए थे। लौटने के तुरंत बाद राजीव गांधी पर रिश्वत का इल्जाम लगा दिया। चुनौती दी कि राजीव उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करके देख लें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और उनके दोस्तों ने कम से कम 50 करोड़ की रिश्वत ली है। मैं संबंधित लोगों को क्रॉस एग्जामिन करना पसंद करूंगा। यूं सीधे टारगेट किए जाने से राजीव गांधी तिलमिला गए। उन्होंने जवाब में ऐसा कुछ कह दिया जिससे राजनीति में भाषाई मर्यादा के पतन को ही रेखांकित किया जाता है। राजीव गांधी ने कहा, मैं हर भौंकते हुए कुत्ते का जवाब नहीं दे सकता। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राम जेठमलानी ने पलटवार किया, बोले, मुझे कुत्ता कहे जाने पर कोई अपमान महसूस नहीं होता। कुत्ते कम से कम झूठ तो नहीं बोलते, और भौंकते भी तभी हैं जब चोर को देख लेते हैं। मुझे लोकतंत्र का प्रहरी कुत्ता होने पर गर्व है। इस जवाब के बाद राजीव गांधी ने चुप्पी साध ली। 1996 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। पहली सरकार में कानून मंत्रालय मिला, दूसरी बार शहरी विकास मंत्रालय और रोजगार देखने को दिया गया। बाद में कानून मंत्री भी बने और फिर बात बिगड़ गई। उस वक्त के सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी से जेठमलानी की नहीं बनती। बनती तो वाजपेयी से भी नहीं थी, वो कैबिनेट में थे लाल कृष्ण आडवाणी की बदौलत।
नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जेठमलानी राज्यसभा पहुंच गए, सब ठीक चलने लगा। लेकिन जब नितिन गडकरी के दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनने की बारी आई, पूर्ति घोटाला सामने आ गया। नितिन गडकरी पर आरोप लगे और फिर जेठमलानी ने गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा, पार्टी से बाहर कर दिए गए। ये नवंबर 2012 की बात है और इसके कुछ ही दिन बाद जनवरी 2013 में जेठमलानी ने एक बयान दिया, मुझे लगता है नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं और 100% सेकुलर हैं। इस बयान के कुछ ही महीने बाद पार्टी के नया अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह। जेठमलानी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी, तो जेठमलानी का मोदी से मोहभंग हो गया। 2015 में बिहार में जब विधानसभा के चुनाव थे, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जेठमलानी ने पटना में पत्रकारों से कहा, अगर मैं वोट दे सकता तो नीतीश कुमार को देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मोदी हार का स्वाद चखें। मैं इन फर्जी लोगों को सत्ता से बाहर देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ इस बयानबाजी का जेठमलानी को फायदा भी मिला। आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया। जेठमलानी के पास वकालत में 70 साल से ज़्यादा का अनुभव था। जब कानून और वकालत की बात होगी तो राम जेठमलानी, उनकी बेबाकी और उनसे जुड़े विवाद लोगों को हमेशा याद आएंगे। इसकी वजह यह है कि जब भी देश का कोई बड़ा और विवादित मुकदमा रहा, जेठमलानी उसमें हाथ डालने से नहीं हिचके। जब इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ने को कोई वकील तैयार नहीं हुआ, जेठमलानी तैयार रहे। राजीव गांधी के हत्यारों का भी केस लड़ा। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का भी केस लड़ा। आसाराम बापू से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और स्टॉक मार्केट स्कैम वाले हर्षद मेहता की तरफ से भी पैरवी की। इसके अलावा हवाला केस में फंसे लालकृष्ण आडवाणी को बचाया। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह की तरफ से पैरवी की। जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा के वकील बने। चारा घोटाले में लालू यादव के वकील बने। खनन घोटाले में बीएस येदुरप्पा के वकील बने। 2G स्कैम में कनीमोझी का केस लड़ा। मानहानि के मामले में केजरीवाल के वकील बने और ऐसे वकील बने कि केजरीवाल को 9 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया। जब बिल नहीं भरा तो केजरीवाल को गरीब बता दिया और फिर बाद में केजरीवाल ने इस मामले में अरुण जेटली से माफी मांग ली, जिन्होंने मानहानि का केस किया था। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अगर अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।